साथियों जय हिंद। साथियों, आज हम अपने बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर करंट अफेयर के आज के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। आज अर्थात मतलब 21 मई के करंट अफेयर पर चर्चा होगी। आज हमारी लेट नाइट लेटेस्ट रहता है, इसलिए 21 22 मई पड़ेगा इसमें, क्योंकि 22 मई की भी खबरें जो आने वाली होती हैं वो कवर करता हूँ मैं लेटेस्ट, तो इसलिए थोड़ा लेट नाइट में लेट आता है, 11 बजे तक आता है वीडियो, 10:30-11 बजे के बीच। तो आपको डेली हमारे साथ बने रहिए। आप जानते हैं हम वही क्वेश्चन लाते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो होती हैं जो लेटेस्ट होती हैं, 10 खबरों के माध्यम से हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो बिना टाइम किल किए हुए आपको हम 20 से 25 मिनट में देने की डेली करंट अफेयर देने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सतत विमान ईंधन के साथ भारत की पहली वाणिज्यिक उड़ान कहाँ से कहाँ तक की गई? तो कहाँ तक की गई? पुणे से की गई। कहाँ से उड़ान की गई है? पहली सतत उड़ान पुणे से की गई, पुणे पुणे से दिल्ली, पुणे से दिल्ली। SAF सतत विमान फ्यूल, सस्टेनेबल एयर फ्यूल, सतत विमानन फ्यूल, एरोप्लेन फ्यूल भी कह सकते हैं। तो एयर एशिया की पहली उड़ान की गई स्वदेशी निर्मित, SAF स्वदेशी निर्मित फ्यूल, इसलिए महत्वपूर्ण है। इससे क्या होगा? जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने हैं, जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य 2070 भारत का जो कमिटमेंट है प्राप्त करने हेतु, करने की ओर एक कदम, एक प्रभावी कदम। तो स्वदेशी निर्मित फ्यूल है ये, 80% अन्य पारंपरिक ईंधन की तुलना में, पारंपरिक ईंधन की तुलना में 80% ग्रीन हाउस गैसों का कम उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैसों का कम उत्सर्जन करता है, इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। तो भारत की पहली वाणिज्यिक उड़ान पुणे से दिल्ली सतत विमानन फ्यूल के साथ। ये कैसे बनता है? कृषि अवशिष्ट कैसे बनता है, निर्माण कैसे होता है? जो आपका सतत विमानन फ्यूल है, जैसे एफ सतत विमानन फ्यूल ईंधन, SAF कैसे बनता है? कृषि अवशिष्ट से, कृषि अवशिष्ट और नगर पालिका अवशिष्ट, नगर पालिका के ठोस अवशिष्ट से, जो बेकार कचरा कूड़ा कचरा होता ना, एक तरह ले ठोस होता था, ठोस अवशिष्ट से निर्मित होता था, और वानिकी अवशेषों से, वन के अवशेषों और वनों के अवशेषों से निर्मित होता है। तो खराब हुई चीजों से निर्मित होता है, इसलिए और अच्छा है। सेकेंड क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का उद्घाटन कहाँ हुआ, कहाँ किया जाएगा? तो 25 मई 2023 से PM द्वारा यूपी के लखनऊ, लखनऊ यूपी में किया जाएगा। कितनी खेल स्पर्धाएं होंगी इसमें? इसमें खेल स्पर्धाएं कितनी होंगी? तो 21 खेल होंगे, 21 खेल प्लस 4000 से अधिक एथलीट भाग लेंगे, से अधिक एथलीट भाग लेंगे। ये क्या है? ये विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता होती है, विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता,
21 से सॉरी 18 से 25 वर्ष के, 25 वर्ष के युवाओं को ओलंपिक और कॉमनवेल्थ के लिए तैयार करना, वर्ल्ड चैंपियन के लिए तैयार करना के लिए तैयारी हेतु ये खेलो इंडिया राष्ट्रीय गेम्स का आयोजन किया जाता है। 2022 से इसकी शुरुआत की गई है, अब से की गई है। इसकी शुरुआत 2000 पहला संस्करण 2020 में लॉन्च हुआ था। सॉरी, पहला संस्करण प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में लॉन्च कब किया था? पीएम द्वारा लॉन्च किया गया और ये लखनऊ के बाबू बनारसीदास स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो साथियों, कपड़ा शॉप करना तो इसका जो उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? बाबू बनारसीदास स्टेडियम में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा थर्ड क्वेश्चन, ईरान ने पानी के अधिकारों को उल्लंघन किसे चेतावनी दी है? तो ईरान ने हेलमंड नदी के अधिक जल प्रयोग पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को चेतावनी दी है। तालिबान सरकार को चेतावनी जारी की है, चेतावनी दी क्योंकि ईरान में पिछले 30 वर्षों से सूखे का सामना करना पड़ता है। तो सूखे की वजह से ईरान में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, उसके जो फसलों का बहुत नुकसान होता है, सूख जाते हैं किसानों का। इसलिए तालिबान को चेतावनी दी और उससे कहा कि 1973 में जो समझौता हुआ था जल बंटवारे को, उसको पालन करो। 1973 के जल बंटवारा समझौते के पालन पर जोर याद दिलाया है, ईरान ने चेतावनी दी है। हेलमंड नदी मुख्य नदी है जो अफगानिस्तान से ईरान में बहती है। हेलमंड नदी अफगानिस्तान अफगानिस्तान से कहाँ बहती है? ईरान में बहती है। और ये जो नदी है ये अफगानिस्तान की प्रमुख नदी है। अफगानिस्तान की क्या है? प्रमुख नदी है ये। अरगंडम नदी की सहायक। सुना होगा नदी, नहीं सुना होगा तो लिख लीजिए, इसको जरूर नोट कर लीजिए। ये भी फेमस नदी है। हेलमंड नदी पर इस जल बंटवारे के लिए इसने चेतावनी जारी की। अगला क्वेश्चन है, तवांग की 1000 साल पुरानी हस्तनिर्मित कागज की कला को किसने विकसित किया? तो ये तवांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। तवांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ की कागज की हस्तलिपि 1000 पुरानी है। मोनपा पेपर बनता है। क्या बनता? मोनपा पेपर के नाम से फेमस पेपर, हस्त निर्मित होता। तो इसके लिए किसने क्या कौन विकसित करने में जोर दिया? खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इसको विकसित करने का बीड़ा उठाया। किसने? केवीआईसी खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ये विकसित किया जाएगा। इसने
वीणा उठाया है, जो बहुत फेमस मोनपा पेपर बनता है, अरुणाचल प्रदेश का 1000 पुरानी ये हस्तकला, 1000 वर्ष पुराने, इसको जीवंत रखने के लिए किया जा रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन है, फार्मास्यूटिकल उद्योग चर्चा में क्यों है? क्योंकि जितनी आजकल दवाई बन रही है उसके गुणवत्ता पे कंट्रोल नहीं, WHO ने चिंता जाहिर की है, ने चिंता जाहिर की है। क्यों चिंता जाहिर की? क्योंकि फार्मास्यूटिकल जो है, भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग की गुणवत्ता पर चिंता जाहिर की WHO ने। क्योंकि अभी आपको याद होगा कि दिसंबर 2022 में उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो गई थी, क्योंकि दिसंबर 2022 में उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत, खांसी की दवा पी लिए थे वो। कफ सिरप, ये कहाँ से बनी थी? ये भारतीय बायोटेक द्वारा दे रही, मैरियन बायोटेक, भारतीय कंपनी मैरियन बायोटेक से द्वारा निर्मित थी। तो ये बड़ी बात। और उसके पहले भी कहाँ आपको और घटना घटी थी, एक मार्च 2021 में नियो सिरप से घटना घटित की गई थी, जिसमें पाया गया था कि किडनी में बहुत ही असरदायी होती है, मतलब किडनी में जहर घोलती है नियो कप सिरप थी एक, उसमें सिरप में ग्लाइकोल पाया गया था जो गुर्दे को खराब करता। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिसमें क्या हुए, बहुत 2020 में 12 बच्चों की मृत्यु हो गई थी गुणवत्ता नियंत्रण के नहीं हो पाने के कारण। तो इस पे WHO ने बहुत ही क्या किया है, बहुत ही चिंता व्यक्त की है, इसलिए फार्मास्यूटिकल उद्योग चर्चा में है गुणवत्ता में अपनी खराबी के कारण। उसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं WHO ने कि गुणवत्ता बनाए रखना है, नहीं बनाए रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए चेतावनी एडवाइजरी जारी की, इसलिए फार्मास्यूटिकल उद्योग चर्चा में आया है। सिक्स क्वेश्चन, कुटुंबश्री चर्चा में, कुटुंबश्री योजना क्या है? कुटुंबश्री स्वयं सहायता समूह है, क्या है? स्वयं सहायता समूह, महिलाओं का स्टेज का, कहाँ का है? केरल का। स्थापना कब हुई? 1997 को, तो 25वीं वर्षगांठ इसकी, वर्षगांठ का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने किया, मुर्मू द्वारा किया गया। इस अवसर पर एक बुक का भी प्रकाशन किया गया, इस अवसर पर एक पुस्तक लॉन्च की गई, चुआड़ का प्रकाशन किया गया। ये क्या है पुस्तिका, इसको क्या कहता, पदचिन्ह, इसका मतलब होता पदचिन्ह, इनके पदचिन्हों, चलो कुटुंबश्री योजना क्यों, इसको क्या करता है, इसकी रूपरेखा का वर्णन करता है, इसके इतिहास का वर्णन है इस किताब में, पूरा डिटेल है, इसलिए इसका
प्रकाशन किया गया है। और ये मलयालम भाषा में इसको क्या कहते हैं, मलयालम भाषा में कुदुम्बश्री, इसका अर्थ क्या है, परिवार की समृद्ध। ये हिंदी में अर्थ है, वैसे मलयालम भाषा में कुदुम्बश्री है, स्वयं सहायता समूह गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण हेतु है। गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण हेतु, क्योंकि उद्घाटन श्री राष्ट्रपति ने किया है माननीय, और इस पे एक बुक जारी की है चुवारो, इसलिए ये चर्चा में आई है। 25वीं वर्षगांठ इसकी मनाई जा रही है। 7 क्वेश्चन है, PLI की मंजूरी किस उद्योग के लिए दी गई है, PLI होता क्या है, PLI की मंजूरी किस उद्योग के लिए दी गई है, तो PLI वास्तव में है क्या, तो PLI एक होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, PLI का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इसका हिंदी का मतलब होता है उन्नत उत्पाद हेतु उत्पादन हेतु प्रोत्साहन, उन्नत उत्पादन प्रोत्साहन, उन्नत उत्पादन हेतु प्रोत्साहन आधारित प्रोत्साहन, उत्पादन आधारित ये प्रोत्साहन होता है PLI। तो IT हार्डवेयर उद्योग के लिए दिया गया, IT हार्डवेयर निर्माण, सरकार जो चाहती है कि जो कोई उद्योग काफी अपना प्रॉफिट कमा रहा, काफी उन्नत कर रहा, उसको और उन्नतशील बनाने के लिए उसको 4% कम से कम उसका जो टर्नओवर होता है, जो होता है 4% तक प्रोत्साहन राशि देती है, 4% तक प्रोत्साहन राशि। अभी इसने हाल ही में क्या किया है, क्यों सरकार ने इसको देने की घोषणा की है, क्योंकि इसने अभी हाल ही में कितना किया है, अपना अच्छा खासा मुनाफा दर्ज किया है, कितना मुनाफा दर्ज किया है, $105 बिलियन अमेरिकी डॉलर, इसलिए सरकार ने इसको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मतलब 4% तक प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। 8th क्वेश्चन क्या है, हिस्टेरेक्टमी क्या है, हिस्टेरेक्टमी, तो हिस्टेरेक्टमी का मतलब होता है महिलाओं के गर्भाशय को निकालना। ये भी एक चिंताजनक बात हुई है, इसमें क्या किया गया है, इसमें चिंता व्यक्त की गई है कि ज्यादातर क्या होता है कि भारत में ज्यादातर महिलाएं क्या होती, थोड़ी सी दिक्कत होती, ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में उनके गर्भाशय को निकाल दिया जाता है, जिससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है, तो मातृ मृत्यु दर कम करने हेतु, नीचे लाने हेतु इसको रोकना है, इसको रोकने के लिए चर्चा में है, इसको सभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे चिंता जाहिर की है। इसमें क्या होता है, एक शल्य प्रक्रिया होती है जिससे क्या होता है, गर्भाशय को निकाल दिया जाता है आंशिक या पूर्ण रूप से, जब केवल गर्भाशय हटा दिया जाता है तो उसको आंशिक हिस्टेरेक्टमी कहते हैं, केवल गर्भाशय निकालना क्या होता है, आंशिक हिस्टेरेक्टमी है, आंशिक हिस्टेरेक्टमी, जब ग्रीवा सहित निकाला जाता है, ग्रीवा सहित गर्भाशय हटाया जाता है तो उसे कहते हैं पूर्ण हिस्टेरेक्टमी। तो ये बहुत ज्यादा भारत में इस समय बहुत ही चिंताजनक स्थिति है,
भारत में मतलब 28 से 36 वर्ष की युवा महिलाओं के इसमें देखा गया है, संलिप्तता देखी गई है। और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार सर्वेक्षण हुआ है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार लेटेस्ट डेटा है, तो जो है आपकी जो युवा 15 से 49 वर्ष की महिलाएं क्या करती हैं, कितना पाया गया है इनकी, 3% मतलब ओवरऑल 3% है हिस्टेरेक्टमी की जिनमें संख्या पाई गई। और सबसे ज्यादा ये कहाँ पाया जाता, आंध्र प्रदेश में 9%, आंध्रा एपी आंध्र प्रदेश में 9% सबसे अधिक, तेलंगाना 8%, बाकी राज्यों में कम है। तो इस प्रकार से देखा गया दक्षिण राज्यों में बहुत फैला है ये, दक्षिण में 4.2% है, पूर्व में 3.8% और पूर्वोत्तर में केवल 1.2%। तो इस पर चिंता व्यक्त की गई, इसलिए ये क्वेश्चन हम लाए हैं, चर्चा में आपका आया है। क्वेश्चन नंबर 9, थोक मूल्य सूचकांक 3 साल के अपने निचले स्तर पर आ गया है, WPI थोक मूल्य सूचकांक। होल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक WPI होल प्राइस इंडेक्स, एक होता थोक मूल्य सूचकांक, यह होता CPI, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अंतर क्या है समझ लीजिए, तो ये तो पहले समझ लीजिए निचले स्तर पर है, 3 साल के 33 महीनों के निचले स्तर पर है, मतलब माइनस में नेगेटिव में 0.92%, माइनस में नेगेटिव में मतलब कमी दर्ज की गई है। इसमें क्या होता है, ये मुद्रा स्फीति का उत्पादक स्तर पर मुद्रा स्फीति का निर्धारण इससे होता है। WPI क्या होता है, उत्पादक स्तर पर मुद्रा स्फीति का निर्धारण होता है, और ये क्या होता है, ये करता है उपभोक्ता स्तर पर मुद्रा स्फीति का निर्धारण करता है। ये अंतर है CPI उसमें, और ये विनिर्मित उत्पाद को महत्व देता है WPI, या उपभोक्ता द्वारा व्यवसायों द्वारा उपभोक्ता मतलब थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को थोक में बेची गई वस्तुओं पर, इसे आर्थिक सलाहकार कार्यालय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा WPI जारी किया जाता, आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। क्या ये वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय का यूनिट है, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। तो ये निचले स्तर पे 3 साल के पाया गया है, अप्रैल में माइनस में 0.0 और स्फीत दर के साथ, मतलब माइनस का मतलब क्या है, और स्फीत दर है नीचे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा इसके अंदर नहीं जाएंगे ना, पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ानी पड़ जाएगी। 10th लास्ट क्वेश्चन हमारा है, 10th क्वेश्चन है हमारा कि भूजल निष्कर्षण चर्चा में क्यों है,
भूजल निष्कर्षण, भूजल निष्कर्षण इसका मतलब है भूजल दोहन, भू जल दोहन। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो भूजल दोहन से क्या होता है, जमीन का फटना होता है, इमारतों में दरार पड़ना, इसका प्रभाव क्या होता है, दुष्प्रभाव क्या है इसका भूजल दोहन का, आवश्यकता से अधिक अत्यधिक करना। दुष्प्रभाव क्या है, इमारतों में दरारें, दरारें, जमीन का धसाव, जमीन का धसाव हुआ, क्या कहो, अवतलन, ये मुख्य। जैसे अभी 2023 की शुरुआत में जोशीमठ शहर में, उत्तराखंड में जोशीमठ शहर में जमीन का जो धसाव पाया गया, का जो धसा हुआ, ये यही रीजन था, इसका रीजन था आपका भूजल निष्कर्षण, इसलिए चर्चा में है। इसके द्वारा क्या किया गया है, इसमें होता क्या है, इसमें ये है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और फरीदाबाद में सबसे अधिक ये घटनाएं देखने को मिली। कहाँ? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, फरीदाबाद, सबसे अधिक घटनाएं, अधिक ऐसी घटनाएं पाएंगे। क्यों पाएंगे? कि यहाँ पे दोहन सबसे ज्यादा होता है, भू निष्कर्षण। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार भू निष्कर्षण, केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार जहाँ ज्यादा निष्कर्षण हुआ, ज्यादा प्रॉब्लम है। पंजाब में 76% जल का दोहन किया गया, 76% बहुत ज्यादा होता है, अति दोहन किया गया। चंडीगढ़ में 64% दोहन किया गया, दिल्ली में 50%। तो इसलिए जल भूजल निष्कर्षण पर चिंता व्यक्त की गई है कि आवश्यकता जैसे सोलर पंप लगा करके खींचा जाता जल, और ऐसी फसलें बोई जाती हैं जिससे क्या होता है, बिजली से चलने वाले सौर पंप का अधिक प्रयोग, और क्या होता है, और ये किया गया है कि अधिक जल वाली फसलें, अधिक जल ग्रहण वाली फसलों का उत्पादन, जैसे गेहूं, धान, धान में बहुत पानी लगता है, तो इस कारण इस जल का निष्कर्षण जो भूजल का हो रहा है, इसके कारण आगे बहुत समस्या आने वाले, इस पे चिंता व्यक्त की गई है। इसलिए जो है ये क्वेश्चन हम लाए हैं भूजल निष्कर्षण का जो दुष्प्रभाव हो सकता है। साथियों ये रहा आज का हमारा लेक्चर, आशा है आपको अवश्य पसंद आया होगा। छोटा सा लेक्चर होता है लेकिन टू द पॉइंट होता है, जितने 10 क्वेश्चन के माध्यम से डेली का करंट अफेयर हम कवर करते हैं, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ऐसी खबरें होती हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो साथियों अगर थोड़ा सा प्रयास हमारा सराहनीय लगे आपको, तो प्लीज़ इसको शेयर अवश्य करिए, मैक्सिमम शेयर करिए। आपका अपना चैनल है कैलिबर अड्डा को प्यार दीजिए, आप पढ़ते रहिए इसके फैक्ट्स को, इसके एक्सप्लेनेशन को नोट डाउन कर लिया करिए, एक बार रिवाइज कर लिया करिए, जितना करंट अफेयर पढ़ा एक बार रिवाइज अवश्य कर लीजिए। और हम अभी वीकली और मंथली भी लाने वाले हैं करंट अफेयर, आप लोगों को ऐसे प्यार बनाए रखिए, कैलिबर अड्डा की सहायता पढ़ते रहिए, अड्डा से पढ़ते रहिए, और उसमें क्या करें, अपने लक्ष्य की पूर्ति कीजिए। आप एटीट्यूड बनाए रखिए, धैर्य रखिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, यही हमारी शुभकामनाएं। साथियों मैं इंद्रेश त्रिपाठी, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद साथियों, धन्यवाद साथियों।